जी है वो लास्ट लेक्चर है आज हमारा, जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करेंगे। और कैसे ठीक करेंगे जी? हम आज उनको बायोलॉजी की हेल्प से ठीक करेंगे। सो टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा होगा, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी हम माहौल के अंदर पैदा होने वाली ख़राबियों को ठीक करेंगे ताकि माहौल हमारा महफूज हो जाए और कंजर्व हो जाए। अब हम ये काम कैसे करेंगे? वो काम करने से पहले हम ये देखेंगे कि माहौल के अंदर ख़राबी आती क्यों है और कौन कौन सी ख़राबियाँ आती हैं और कौन कौन ये ख़राबियाँ पैदा करवाता है। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारी क्लास ज्वाइन कर ली है, इनको मेरी तरफ़ से वेरी वेरी एंड वेरी वॉर्म वेलकम, और जो सलाम कर रहे हैं इन तमाम को मेरी तरफ़ से वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है तमाम के तमाम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, ये खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मंडे को आप लोगों का जो बायोलॉजी का टेस्ट है उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है या नहीं की? क्योंकि एंड वाले दिन जो तैयारी करने वाला काम है ना, वो ठीक नहीं है। तैयारी वही होती है जो साथ साथ की जाए। सो किस किस ने आप लोगों में से चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी है? जल्दी से मुझे ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम न्यू हेयर सर, प्लीज़ टेल अस विच पेज हैं। विच पेज? अच्छा, विच पेज मतलब आप कौन से पेज पे हैं। माशाल्लाह, आपकी अंग्रेज़ी तो मेरे से भी अच्छी है। पेज नंबर 13 पे हैं जी आज हम, ओके। अच्छा जी, थैंक यू सर जी, आप किस बात पे थैंक यू फरमा रहे हैं। चलें जी, कर दिया सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं जी। नहीं की हैं, क्यों नहीं की जी आपने? बुरी बात है ना सर जी, कर रहे हैं, कर दी है। नो सर, अभी नहीं, क्यों भी करना स्टार्ट कर दें, एंड वाले दिन में जो है ना फिर वो क्या नाम है, बर्डन आ जाता है। सो साथ साथ स्टार्ट करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। सर आज से करनी है शुरू, मैं क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। कोई बात नहीं यार, आप जवान लोग हैं, आपको क्या हो गया? तबीयतें जो है ना, ये अच्छे बच्चों की जो ज़िंदगी होती है उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं लेकर आती, ठीक है। तबीयत ख़राब होना, मसरूफियात, बारिशें, ये चीज़ें जो है ना, ये हमारी उसमें रुकावट नहीं बन सकती हैं, ठीक है। कल से? अच्छा जी, आप कल से करेंगे, आज से करें भाई। चैप्टर 1 के लॉन्ग बता दें जी, बता देते हैं अभी, ठीक है, ओके। लॉन्ग बताने से पहले मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा सा बता देता हूँ। एनवायरनमेंट के अंदर जो मसाइल पेश आते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉब्लम्स, और जो उनका सलूशन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे और आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ज़रा आप लोगों से पूछते हैं, बच्चे बताएं ना ज़रा माहौल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आती हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से वो वेस्ट मटेरियल है, इंडस्ट्री के वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऐसे ही है, अगर आप देखें तो आपको भी ये बात आपकी बुक में मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जो है ना, कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हैं और इवन कार्सिनोजेनिक भी हैं, इवन जो है वो कार्सिनोजेनिक में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। इन्हीं की एग्जांपल में हैवी मेटल्स मौजूद हैं, हैवी मेटल्स, और एफ्लुएंट्स भी इनकी एग्जांपल में शामिल हैं, एफ्लुएंट्स और हैवी मेटल। आपकी बुक में 2 हैवी मेटल्स का जिक्र है, एक आपकी बुक में क्रोमियम का जिक्र है जो कि चमड़े की इंडस्ट्री से रिलीज़ होता है, और एक आपकी बुक में लेड का जिक्र है जो कि ऑटोमोबाइल में इन गाड़ियों वगैरह से रिलीज़ होता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो माहौल में आ रही हैं। उसके अलावा ये वेस्ट अल्टीमेटली आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूशन का शिकार कर देती हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 आ गई, पोल्यूशन आ गई प्रॉब्लम नंबर 2।
अगर हम इन प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपना वजूद, अपनी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में खो देंगे। सो हमें इनको ठीक करना पड़ेगा। हैवी मेटल याद रखें, ये क्रोमियम और लेड, दो आपकी बुक में एग्जांपल लिखे हैं, और भी होते हैं, मरकरी भी होता है, कैडमियम भी होता है, लेकिन हम ये दो याद करेंगे। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है, ये क्या है, इसका ताल्लुक हमारे लेक्चर से नहीं है, सो इसको किसी और दिन एक्सप्लेन करेंगे। तो क्रोमियम टैनरीज बोलते हैं, चमड़े की इंडस्ट्री से निकलता है, और लेड ऑटोमोबाइल में जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं इनसे निकलता है। इस पोल्यूशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन नंबर एक, प्रॉब्लम के बाद क्या आता है, सोल्यूशन। हम बायोलॉजिकल सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे। बायोलॉजिकल सोल्यूशन जो है सबसे पहले आपको देगा बायो रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन। आप बायोलॉजी की मदद से इन पोल्यूटेंट्स को, इन हैवी चीज़ों को, इन टॉक्सिक मटेरियल्स को डिग्रेड मीन ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सो रिमूवल करेंगे आप बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ को रिमूव करेंगे आप, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करेंगे। पोल्यूटेंट्स मैंने कौन कौन से आपको बताए, आपको मैंने ये सारे पोल्यूटेंट्स बताए हैं, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट पोल्यूशन ही है। तो इन हैवी मेटल्स को रिमूव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है एलजी की। फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स पड़े हुए हैं तो इनके ऊपर जो है ना वो एलजी ग्रो करेगा। ये देखें, ये एलजी है, एलजी इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, एलजी इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके सर, सही आवाज नहीं आ रही, ये कौन कह रहा है, आवाज़ को क्या मसला है, जी चेक किया जाए क्या आवाज़ ठीक है। आवाज़ बिल्कुल ठीक है, ये आप अपना जो है वो माइक चेक कर लें। हाँ जी, अब आवाज़ ठीक है, आवाज़ बिल्कुल फाइन है। ओके, तो हमने उन गंदे गंदे मटेरियल्स, जहरीले मटेरियल्स को ख़त्म किया, किसकी हेल्प से, एलजी। इसको ज़रा एचडी में देखते हैं, अगर यहाँ पे ये टॉक्सिक मटेरियल्स हैं तो हमने इसके ऊपर क्या रखा, एलजी। एलजी ने क्या करना है, एलजी इन टॉक्सिक मटेरियल्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा वेस्ट मटेरियल, सारा वेस्ट एलजी में चला जाएगा। गला ख़राब जो आपको पता ही है, फिर थोड़ा बहुत हो जाता है, पेप्सी वगैरह पी थी तो थोड़ा बहुत गला ख़राब है। तो ये बात आपको मैंने बता दिया, आपने पोल्यूटेंट्स को, हैवी मटेरियल्स को, टॉक्सिक मटेरियल्स को कहाँ भेज दिया, एलजी के अंदर भेज दिया। एलजी ने क्या किया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपका ये जो टॉक्सिक मटेरियल है इसको चूंकि एलजी ने रिमूव किया है, एलजी क्या है, एलजी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस मेथड को हम बायो रिमेडिएशन का नाम देंगे। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। सेकेंड प्रॉब्लम पोल्यूशन थी, और थर्ड प्रॉब्लम क्या है जी, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो के ख़त्म होती जा रही हैं, और अगर हमने इनको ना बचाया तो ये आने वाले दिनों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एंडेंजर मीन अभी ये ख़त्म होने वाली हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है ये क्या हो जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, नापैद हो जाएं। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम इनके लिए स्पेशल ब्रीडिंग करवाएंगे। ब्रीडिंग करवाने के लिए हम बायोलॉजी के मेथड्स यूज़ करेंगे, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन करवाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ रिप्रोडक्शन कर सकें, और उनके लिए हम जू बना देंगे। जू के अलावा हम उनको पार्क्स बना के देंगे ताकि उन जानवरों को, उन स्पीशीज़ को, उन पौधों को हम महफूज कर सकें। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने इनके लिए ये ब्रीडिंग ना कराई, इनकी रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग मीन रिप्रोडक्शन ना करवाई, तो
ये एक दिन नापैद हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। लें जी बड़ा प्यारा कमेंट है, हेडलाइन ई कैट की चल रही है, व्हाट इज दिस, ये चेक किया जाए क्या हेडलाइन ई कैट की चल रही है। एलजी बायोब्लॉर्प्शन नेचुरली करता है या आर्टिफिशियल? नेचुरली भी करता है और हम इसको आर्टिफिशियली भी डिज़ाइन करते हैं चेंजेस ला के, ठीक है। आमतौर पर उनकी ये नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फंजाई की भी एबिलिटी होती है। अच्छा ये हेडिंग चेक की जाए क्या ये ई कैट की चल रही है, कहाँ पे चल रही है ई कैट की? हाँ ये पट्टी जो है ना ये ई कैट की चल रही है, ये अभी जो है ये हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैसेंजर पर कॉन्टैक्ट जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर पर, मैं आपका जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा। ये जो पट्टी है ये ई कैट की चल रही है, इसको जो है वो ठीक कर दिया जाता है अभी। चलें जी, तो हमारी जो स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली थी, एक्सटिंक्ट होने वाली थी, हमने उनकी ब्रीडिंग करवाई, उनके लिए ज़ू बनाए, पार्क बनाए, उनको हमने कंजर्व किया है, ठीक है, ताकि वो ख़त्म ना हो जाएं। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखी हैं, वो आपने बतानी है ताकि आपको जो है वो पता चल सके। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, सीवेज सिस्टम, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारा। अगर हम ये काम नहीं करें तो एक दिन हम जो है अपने जो इस नेचुरल हैबिटेट से महरूम हो सकते हैं। सर अगर ब्रांचेस का नेम पूछा होगा तो सिर्फ नाम लिखेंगे या थोड़ा, जब नेम पूछा होगा तो नेम ही लिखेंगे, ठीक है। आप रिप्लाई ही नहीं करते, देखें जब मैं मैसेज पढ़ता हूँ तो रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, जब नहीं पढ़ता तो नहीं रिप्लाई करता। तो आपको एक मज़े की चीज़ बताते हैं जी, ये तो था आज का टॉपिक, एंड पे जो है ना पाकिस्तान की बातें लिखी, उसमें भी आपने ये चीज़ें बतानी है, पाकिस्तान में बड़ी पोल्यूशन है और अगर नहीं ठीक की तो प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर के, वो नोट कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग आपको मिलेगा ऑर्गन एंड सिस्टम, निशान लगा लें। लॉन्ग आपको मिलेगा फाइलेटिक लिनिएज, और तीसरा लॉन्ग आपको मिलेगा बायोलॉजिकल मेथड, उसके बाद आपको मिलेगा, नोट कर लें, डिजीज कंट्रोल, उसके बाद आपको मिलेगा क्लोनिंग, और उसके बाद आज वाला सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये एक दो तीन चार पाँच और छः लॉन्ग क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट जो आपने याद करने हैं, ये मैंने बता दी, आप नोट कर लें, ठीक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। वॉइस प्रॉब्लम फिर से आ रही है जी, ये क्या वॉइस प्रॉब्लम है? ये लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लें, इस चैप्टर के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आई थिंक कोई वॉइस इशू नहीं है, ये जो है आप लोगों को लग रहा है देर इज़ नो वॉइस इशू। लें जी ये छह लॉन्ग क्वेश्चन है, नोट कर लें, ये काफ़ी बच्चों की डिमांड थी तो मैंने आपकी डिमांड पे ये लिख दिए, ये नोट कर लें, ये रिपीट कर दें, कौन कह रहे हैं यार, आप खुदा का खौफ करें, ये लिखे हुए हैं यहाँ से देख के लिख लें आप लोग, ठीक है। फुरकान साहब बड़े हो जाएं, अब बड़े हो जाएं, ठीक है। यही लॉन्ग क्वेश्चन याद करने, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लर है वीडियो, अच्छा जी, नोट कर लें जी। ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल, हाँ मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, फाइलेटिक लिनिएज, बायोलॉजिकल मेथड, डिजीज कंट्रोल, क्लोनिंग, और आखिरी है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो ये सारे जो हैं ये मैंने आपके सामने नोट कर दिए हैं, बोल भी दिए हैं और लिख भी दिए हैं। लें जी, अब मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ, ऑर्गन एंड
सिस्टम, नंबर एक, नंबर टू पाइलेटिक लिनिएज, नंबर तीन बायोलॉजिकल मेथड, इसके कोई दो या तीन स्टेप आ सकते हैं, नंबर चार डिजीज कंट्रोल, नंबर पांच क्लोनिंग, और नंबर छह आज वाला जो मैंने करवाया। अब ठीक हो गया, कोई च्वाइस नहीं आएगी, ठीक है। देखिए अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई नहीं होते, वो तमाम बोर्ड्स के हिसाब से होते हैं। अब हमने चूंकि कंबाइंड बोर्ड बनाने, इसलिए जो है वो आपको ऐसे लग रहा है। चलें जी, टेस्ट के लिए आपके पास 30 मिनट होंगे, 30 मिनट के अंदर अंदर आपने टेस्ट सॉल्व करना होगा। और आपको मैंने बताया था मार्क्स जो हैं वो 20 होंगे, 5 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। अच्छा जी, तो मैंने अभी वॉइस चेक करवाई है, वॉइस बिल्कुल ठीक है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन बराए मेहरबानी चेक कर लें, ठीक है। तो इस तरह ना किया करें। क्या हमें असाइनमेंट बायो के लेक्चर में ही देनी होगी? जी बिल्कुल, बायो के लेक्चर में ही आपका टेस्ट होगा। सो आपने मंडे को फ़ौरन से जो है वो लेक्चर में तशरीफ लाना, देर नहीं करनी, मैंने बहुत जल्द टेस्ट आपका स्टार्ट कर देना है, ठीक है जी। तो आपको जो है वो असाइनमेंट वाला जो बटन है वो नज़र आ रहा होगा, मैसेंजर के साथ ही होता है, बेल आइकन के साथ, वहाँ पे आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगी। आपने जो है वहाँ से देख के, बल्कि जो है ना मैं आप लोगों को सामने भी शो करवा दूँगा, अपलोड आपने वहीं पे ही करनी है, ठीक है। बल्कि एक और हल भी हो सकता है कि आप मुझे तस्वीरें बना के मेरे मैसेंजर पर सेंड कर दें, मैसेंजर जो है ना आपको इनबॉक्स, वहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं। सो उस दिन जो बेहतर सूटेबल ऑप्शन होगी हम उस पर अमल कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट जो है वो आपका मंडे को होगा, चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं मंडे, और सिलेबस होगा आपका चैप्टर नंबर 1, हर चीज़ मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दी है, ठीक है। प्रिवेंशन वगैरह की जो जी बिल्कुल, उसमें 3 हेडिंग्स हैं, प्रिवेंशन और उसके बाद वैक्सीनेशन और फिर ड्रग ट्रीटमेंट, डिजीज कंट्रोल में 3 हेडिंग्स हैं, ओके हो गया। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कर लें जल्दी से, एक्सरसाइज करते हैं जी, जल्दी से आ जाएं एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर तमाम चैप्टर्स को सॉल्व करने का जो है वो होना चाहिए। पहली फिल इन दी ब्लैंक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ तो आपने उसकी उसका कमेंट भी करना है। फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक का आंसर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तमाम लोग जो है वो फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक फिल कर लें, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सेकंड का आंसर है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ओके, साथ साथ कमेंट भी करें। थर्ड का आंसर है ह्यूमन बायोलॉजी, ओके ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद फोर्थ का आंसर है ह्यूमन बॉडी, ओके फोर्थ का आंसर है ह्यूमन बॉडी। उसके बाद पांचवा जो फिल इन दी ब्लैंक का जो आपके पास जुमला है, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, पांचवें का आंसर है एटम्स जी, इकोलॉजी भी हो सकता है पहले का, पांचवें का आंसर है एटम्स, ठीक है। छठे का आंसर है इंडिविजुअल, छठे का आंसर है जी इंडिविजुअल। सातवें का आंसर है पॉपुलेशन, जल्दी से सातवें का आंसर क्या है जी पॉपुलेशन। और आठवें का आंसर है हाइपोथेसिस, आठवें का आंसर क्या है जी
हाइपोथेसिस। थर्ड ब्लैंक का मैंने बता दिया ह्यूमन बायोलॉजी है। एट्थ का आंसर है आठवें का यानी कि हाइपोथेसिस। और नाइन्थ और लास्ट का आंसर है इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि डिडक्टिव और इंडक्टिव दो ही मेथड्स होते हैं मशहूर। तो लास्ट का आंसर है इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, थ्री वाले का सोशल नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का पूछा हुआ। नहीं, कम्युनल लाइफ है ना, तो सोशियो बायोलॉजी होगी। थर्ड का आंसर करेक्ट कर लें, थर्ड का सोशियो बायोलॉजी है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनल लाइफ है। मैंने स्टेटमेंट आधी पढ़ी थी, ह्यूमन बीइंग को देख के बता दिया ह्यूमन बायोलॉजी है, तो थर्ड का आंसर जो है वो सोशियो बायोलॉजी है या सोशल बायोलॉजी, ये करेक्ट कर लें तमाम लोग। थर्ड का आंसर सोशियो बायोलॉजी लगाएं, वेरी गुड। जिन बच्चों ने बताया है, वेरी गुड, थर्ड का आंसर सोशियो बायोलॉजी है। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अब आ जाएंगे ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स भी ना एमसीक्यूज बन कर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी एमसीक्यूज बन कर आएंगे, ठीक है, इसलिए आपको मैंने करवाई है। डिजीज कंट्रोल की जो है ना वो तीन हेडिंग्स हैं और उनकी फिर मजीद सब हेडिंग्स आपने बनानी है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो हेडिंग्स हैं वो बनानी है, बिल्कुल जो जो डेफिनेशन होती है उसमें हेडिंग नहीं बनाते, उसमें एग्जाम्पल बनाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके ऊपर एग्जाम्पल देना फ़र्ज है, ठीक है। टू वाले का जवाब फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। चलें जी, पहला ट्रू फॉल्स, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, गलत, पहला फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ओके, मैनी डिजीज सच एज पोलियो वो कंट्रोल बाय एंटीबायोटिक्स, दूसरा भी फॉल्स है, क्योंकि ये वाली बीमारियाँ वैक्सीनेशन से कंट्रोल की हैं। तीसरा जो है ये भी फॉल्स है, उल्टा लिखा हुआ है, कॉपॉक्स के जरिए स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हुई थी, तीसरा भी फॉल्स है, ठीक है। चौथा जो है, चौथा ट्रू है, चौथा क्या है जी, ट्रू है। एट्थ फिल इन द ब्लैंक का आंसर मैंने बताया था हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। सर कोई पोस्ट ही शेयर कर दें या क्या लिखा हुआ है जी, आपकी प्रोफाइल नहीं मिलती है, क्या मतलब? देखिए मेरी प्रोफाइल, मेरी क्लिक है ना, आप उस पर देखें आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने वर्कशीट अपलोड की है एमडी कैट की, आपके लिहाज से भी कोई पोस्ट मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। तो लास्ट ट्रू है। अब आ जाते हैं जी एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है जी, बी, बीटा, बी ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यू जो है उसका आंसर है, उसका भी बीटा है, बीटा, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। थर्ड एमसीक्यू का जो आंसर है उसका है टैटनस, टैटनस जो है वो वायरल डिजीज नहीं है, टैटनस बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग, इसका ए आंसर है अल्फा, ठीक है। हमने जो न्यूक्लियस रिप्लेस किया था वो किसी और ऑर्गेनिज्म का डाला था, सेम ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस हमने यूज नहीं किया था, सो ऑर्गेनिज्म चेंज कर दिया था, तो आखिरी एमसीक्यूज का आंसर ए अल्फा होगा, वेरी गुड। अब शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल सी वो मैंने आपको बता दी, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको इधर डिटेल से डिस्कस कर दिए हैं। अब अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। आपका अब टेस्ट किस तरह से होगा ध्यान से समझ लें, एक ही बार बताऊंगा। स्क्रीन पे आप लोगों का टेस्ट शो होगा, स्क्रीन पे क्या होगा जी, आप लोगों का टेस्ट शो हो जाएगा। आपने उसका क्या करना है, आपने एमसीक्यूज तो ऊपर ही सॉल्व कर लेने हैं, जिस जैसे टिक लगाते हैं वो आपकी स्क्रीन पे टिक लग जाएंगे। जो आपके सब्जेक्टिव होगा आपने उसके आंसर्स अपने रजिस्टर पे लिखने हैं, तस्वीरें बना के मुझे मैसेंजर पर भेज देनी है, ठीक है, और हर पेज के ऊपर पेज नंबर भी लिखना है।
लॉन्ग क्वेश्चन फिर से क्यों बताएं, ये लिखे मैं यहां से नोट कर लें, ठीक है। डी क्यों नहीं है, देखें कुछ बुक्स में आखिरी एमसीक्यू का आंसर डी लिखा हुआ है, वो गलत है। इसलिए क्योंकि डी में जो काम होता है ना वो हम क्लोनिंग में करते हैं, मैं खुद क्लोनिंग करता रहा हूँ, उसमें हम लोग डीएनए के पीस को चेंज करते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग नहीं की, आपने इंसुलिन की जीन जो डीएनए का पीस था वो निकाल के किसी और में डाला, वो क्लोनिंग ही थी। सो डी नहीं है, वो काम क्लोनिंग में हम करते हैं। अक्सर बुक्स में डी लगा हुआ वो गलत है। मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हूँ, मैंने पूरे 6 साल हो गए मुझे क्लोनिंग करते हुए, ठीक है, और क्लोनिंग पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए। मेरी अगर आप चेक करें प्रोफाइल तो उसमें लिखा होगा एमफिल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो क्लोनिंग का होता है। सो कभी भी सेम ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस नहीं डालते, किसी और इंडिविजुअल का न्यूक्लियस डालते हैं, ठीक है। टेस्ट जो है वो लेक्चर में ही होगा, एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पे ही सॉल्व करने हैं। सो लास्ट एमसीक्यू का आंसर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, अल्फा है। कभी भी सेम ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस हम नहीं डालते, हाँ डीएनए चेंज करते हैं, वो भी क्लोनिंग में ही करते हैं, ठीक है, डीएनए चेंज करते हैं, क्लोनिंग में ही करते हैं। सो इसका मतलब ए है, ठीक है जी। जी कौन सा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है जी, आपका क्या क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें, और भी क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें तो मैं फिर अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं, ओके, सारों को सब चीज़ क्लियर हो गई। आपने पीएचडी क्यों नहीं की जी, करनी है इंशाल्लाह, जल्दी करेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, कर लेंगे पीएचडी। हाँ जी, और कोई चीज़? तो क्लोनिंग का मुख्तलिफ़ की बुक्स में आपके या पुरानी बुक्स पर डी लगा होगा, वो गलत लगा हुआ, ए वाला जो स्टेटमेंट है, ए वाली स्टेटमेंट, वो हम क्लोनिंग में नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया डीएनए वाला नहीं है, डीएनए करते हैं चेंज क्लोनिंग में। सो डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ए ऑप्शन है, क्योंकि हम सेम ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस चेंज नहीं करते, मुख्तलिफ का करते हैं। मैंने जब यहाँ पर गोट्स बनाई थी, क्या मैंने उसी का न्यूक्लियस डाल दिया, याद है आपको, किसी और का, दूसरी वाली शीप का न्यूक्लियस यूज़ किया था, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो आपका आंसर बनेगा। चलें जी, आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर करते हैं, टेस्ट तैयार करना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह जो है हम कल दोबारा जो है वो हाजिर होंगे, तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे जो है वो दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करें।